हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं रियल नंबर्स से है। क्लास टेंथ के लिए एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, राइट। सो अभी हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर दो नंबर्स दे रखे हैं और बोला गया है कि ये चीज़ एक्सप्लेन करिए कि दोनों नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि दोनों नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स, अगर हम लोग प्राइम नंबर्स की बातें करें तो प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। इसका मतलब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, करेक्ट, राइट। वहीं अगर हम लोग कंपोजिट नंबर्स की बातें करें तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग ये शो करने जा रहे हैं कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम लोग बस इतना शो कर दें कि इन दोनों नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इतना काफ़ी होगा ये बताने के लिए कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यही चीज़ हम लोग क्वेश्चन में कर रहे हैं। हम लोग अभी इनको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, और हम लोग शो कर देंगे कि इन दोनों नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो हम लोग मान लेते हैं इसको लेट ए, ए का मतलब फर्स्ट नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या लिखा हुआ है 7x13x11+11, ठीक है, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं, ये क्या है बी, एंड दिस इक्वल टू व्हाट 7x6x5x4x3x2x1+3, ठीक है, ओके, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स के अंदर कुछ चीज़ कॉमन है, यस 11 आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी, और 11 इस टर्म के अंदर भी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 11 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 7x13, और ये क्या है प्लस का साइन है, 11 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया 1, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 11 इंटू, अब देखो 7 क्या है एक इंटीजर है, 13 क्या है इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर होगा, प्लस 1 कर देंगे तो भी क्या होगा इंटीजर होगा। हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं बट होगा क्या, एक इंटीजर होगा, लेट दैट इंटीजर इज m, ठीक है, जहाँ पे m किसके प्लेस पर रख दिया हम लोगों ने 7x13+1, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1x11 एम। सो हम लोगों ने क्या शो किया कि जो नंबर ए था मीन्स दिस, उसको हम लोगों ने शो कर दिया थ्री नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, यानी कि तीनों नंबर्स क्या हैं अब इस नंबर ए के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं था सिंस ए हैज मोर देन, since a has more than two factors therefore a is what, a is a composite number। इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर हुआ। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, देखो एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, प्लस का साइन ये है तो दूसरे टर्म ये है। अब इन दो टर्म्स के अंदर कुछ चीज़ कॉमन है, यस दैट इज़ थ्री, थ्री कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तब यहाँ से रहा 6x5x4x, देखो 3 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2x1+, और इस टर्म में से भी 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या रह गया 1, ठीक है। चीज़ को फिर से लिख देते हैं 3x, अब देखो 7, 6, 5, 4, 2, 1 ये सब क्या है इंटीजर्स हैं, करेक्ट, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो भी क्या होगा एक इंटीजर ही निकलेगा। मान लेते हैं वो नया इंटीजर क्या है n है, ठीक है, जहाँ पे n किसके प्लेस पर रख दिया हम लोगों ने 7x6x5x4x2x1+1 के प्लेस पर रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1x3x एक इंटीजर और n, ठीक है। सो b को आपने क्या शो कर दिया कि b के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 1 है, दूसरा 3 है, और तीसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं n, और b भी अपने आप में खुद फैक्टर ही होगा, करेक्ट। इसका मतलब कह सकते हैं सिंस b हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, क्योंकि b के कितने हैं दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, देयरफॉर b इज अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब b कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर a एंड b आर कंपोजिट नंबर,
numbers as they have more than two factors. यही हम लोगों को शो करना था. आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं. फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.